जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। इस दिन लोग लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं जिससे घर में धन की कमी ना हो। इसके अलावा लोग धनतेरस के दिन लोग गोल्ड, सिल्वर, नए बर्तन की खरीदारी भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सोना, सिल्वर, बर्तन आदि की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग कई गाड़ी, कार, मोबाइल, लैपटॉप आदि भी खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। बता दें कि धनतेरस के दिन चाकू और कैंची जैसी नुकीली चीजें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें परिवार के लिए बैड लक लाती हैं। धनतेरस के दिन कई लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, हालांकि धनतेरस पर स्टील न खरीदने की सलाह दी जाती है। इसकी जगह आप तांबा या कांसे की चीजें खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे के बर्तन या लोहे से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि लोहा खरीदने से धन के देवता भगवान कुबेर नाराज हो जाते हैं। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच से बनी चीजें खरीदना भी अशुभ होता है, क्योंकि कांच की चीजें राहु से संबंधित होती हैं। धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम या प्लास्टिक से बनी चीजों को खरीदने से भी बचना चाहिए। इसके बजाय किसी धातु से बनी चीजें हमें खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या घी खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत हो तो 1 दिन पहले या 1 दिन बाद खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन नकली सोने के ज्वेलरी, सिक्के और अन्य चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। वहीं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट से खरीदे गए बर्तन को धनतेरस के दिन घर लाने से पहले उसमें पानी या अनाज जरूर डालें। तब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये वो चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आप खरीदने से जरूर बचें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें।